अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये है कराची इंटरनेशनल एक्सपो बुक फेयर और आज दूसरा दिन है और हमारे स्टॉल पे बच्चों के किताब घर के स्टॉल पे हमारे साथ हैं जासूसी नावल निगार शहजाद बशीर साहब, जिन्होंने 7 नावल लिखे हैं और उनमें से 3 नावल छप चुके हैं, बकिया प्रोसेस में हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके दीगर नावल भी आएंगे। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है अल्लाह का सर, बहुत शुक्रिया आप स्टॉल पे तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया, आपने हमारा मान रखा और मेज़बानी की। नहीं, बिल्कुल आप मेहमान हैं हमारे, कराची वाले तो मेहमान नवाज होते हैं। वैसे तो मर्दान के बारे में मशहूर है खैबर पख्तूनख्वा वाले, पाकिस्तानी है लेकिन ये कि कराची में तो हम पहले से ही वेलकम कर रहे हैं, मैंने तो पोस्ट भी लगाई। अरे क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा क्या कहेंगे आप इस बुक फेयर के बारे में जो 2 साल के बाद हो रहा है, क्या आपके तासुरात हैं, कैसा लगा बुक फेयर में आके आपको? देखिए जब से मैंने वेबसाइट बनाई kitabgaon.com मेरी वेबसाइट है तो बहुत सारे लोग पहले से इस चीज़ के मुंतजर थे, बल्कि अभी बीच में कुछ ऐसा हो रहा था कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा बुक फेयर, तो कुछ मायूसी भी थी, लेकिन जब हमने अनाउंस किया बगैर डेट्स अनाउंस की और मैंने खुद बताया कि मैं भी जाऊँगा बुक फेयर में और हमारे जो लाहौर के खासतौर पर आप अम्माद किताब घर अम्माद भाई की जी 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 और नीली यूएसबी जो नुमान शेख जगह, यार वो बंदा अचानक से आया और छा गया। बिल्कुल मैंने उठा के वो किताब अभी दोबारा मेरे हाथ में ली, वैसे ही पढ़ चुका था और सर आप देखें ना गार का समुंदर ये हार्ड बाइंडिंग में है, मतलब पहले हमारे इदारे ने इसको कवर बाइंडिंग में किया, फिर बाद में प्लान किया यार इसको हार्ड बाइंडिंग में होना चाहिए, तो बस कोशिश कर रहे हैं मजीद बेहतर से बेहतर करने की। ये बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे जी, बिल्कुल और ये होनी चाहिए। मतलब किताबों से लोग कहते थे कि जी दूरी हो रही कोई जी बात नहीं जी, मैं तो देख रहा हूँ माशाल्लाह लोग जो है वो पूरे पाकिस्तान से आए हुए जी, जी बिल्कुल। देखें बच्चे बूढ़े आप देखें रश देखें, अभी तो जुम्मा है, जुम्मे की तरह से लोग लेट निकले हैं घरों से और अभी तक लोग आ रहे हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह कि लोग मजीद आएंगे। और क्या कहना चाहेंगे आप मजीद हमारे देखने वालों से? मैं तो यही कहूँगा कि जी खासतौर पर कराची वालों से मैं अपनी वेबसाइट पर भी पोस्टर लगाकर आया हूँ, आप लोगों ने पढ़ी होंगी कि भाई कराची में जो बुक फेयर हो रहा है इसमें आइए, मुझसे भी मिलिए, भाई भाई से भी बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, किताबों से हमारी नई नस्ल को तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि वाकिफ कराया जाए, हम लोगों ने तो पढ़ लिया, हम लोगों के तो हम उसको पढ़ते आ रहे हैं ना, उम्र गुजार दी। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे आप यकीन लीजिए फहीम भाई जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं खासतौर पर उन्होंने मुझसे किताबें मंगवाई हैं, मैंने उनको डिलीवर भी किया बाहर, हमें हमारे इदारे को कई ऑर्डर दिए आपने। बिल्कुल, और उनका ये है कि वो कहते हैं कि हमें नई नस्ल को ये बताना है कि क्या के मत कौन था, जासूसी नावल क्या थे, मदर कलीम, इमरान सी जी जी, सब इनसे वाकिफ कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, उर्दू अदब को जितनी ज़रूरत आवाम की आज है जी, उसके मुताबिक तो लोगों को यहाँ बुक फेयर में भरपूर शिरकत करनी चाहिए। मैं तो सबको कहूँगा कि जो लोग घर में बैठे हैं जी जी वो यहाँ बुक फेयर में बिल्कुल आएँ और देखें भी माहौल, किताबों से मोहब्बत का माहौल क्या है यहाँ पर। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी देखें कि लोग जो है वो कितनी दिलचस्पी से किताबें खरीद लें जी जी, और अपनी फैमिली इसके साथ आके देखिए, यहाँ बिल्कुल फैमिली चाहिए तो देखिए, मतलब लोग मतलब सारे घर वाले आए हुए हैं और मजे से किताबें खरीद रहे हैं और यही मुहावरा तो नहीं हकीकत बोरियाँ भर के किताबें खरीद रहे हैं। और दूसरा ये कि kitabgaon.com के प्लेटफॉर्म से मैं तो पूरे पाकिस्तान में यही मशवरा जी जी कि हमें मोबाइल टेक्नोलॉजी, मैं खुद आईटी का आदमी हूँ, मैं ये वैसे प्रोफेशनल आप क्या करते हैं? मैं वेब डेवलपर भी हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आईटी की सारी फील्ड से मेरा ताल्लुक है, मतलब मेरी एजेंसी है सिक्योरेंस एजेंसी, उसमें हम लोग सारे ही पाकिस्तान से जो बाहर के लोग हैं खासतौर पर जो यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह उनको खुद लॉन्चिंग की सर्विसेज देते हैं। अरे वाह माशाल्लाह, तो kitabgaon.com तो मैंने अपनी शौक की वजह से बनाई थी, फिर वो राइटिंग पे चले गया मामला, किताबें लिखनी शुरू कर दी, अभी ये है कि किताबें लिख भी रहे हैं, शायद भी कर रहे हैं और आप माशाल्लाह। मजीद कितने जासूसी नावल लिखने का इरादा है इशाक साहब ने? तो माशाल्लाह 1000 लिखे तकरीबन सबको मिला के। अभी जब से मैंने इशाक साहब को रिव्यू के तौर पे एक नावल लिखा था और वो लोगों ने बहुत पसंद किया, उसमें कुछ बहस भी इसके आगे और भी आने चाहिए नावल, इसका मामला चल रहा है। और इसके अलावा जो मेरी वो रिजवान सीरीज चल रही है वो मैं उसका खासतौर पर जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि रिजवान सीरीज जो स्टार्ट हुई है तो वो लोगों ने मुझे ये इंप्रेशन दिया है कि जी इसको तो फिल्में बननी चाहिए। अरे क्या बात,
बात करें नेटफ्लिक्स से, बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, अमेजोन भी ऑप्शन है। जरूर जरूर, नावल मेरा आ रहा है डीएसपी टायर सीरीज, उसका एक नावल पीडीएफ में आया था, अभी मैं किताबी शक्ल में ला रहा हूं, तो अभी भी इंशाल्लाह जितने भी नावल होंगे किताबी शक्ल में, इंशाल्लाह आपके नावलों का इंतजार करेंगे, हमारे कारीन आपके इंतजार करेंगे सर, बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी कुछ किताबें ऐसी भी होंगी जो आपके प्लेटफॉर्म जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।